वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जेके एसएसबी की तरफ से जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है सभी कैंडिडेट्स की, जो भी क्लास फोर्थ के लिए यहाँ पर जिन्होंने प्रेफरेंसेस दिए थे कैडर के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस मांगे गए थे, बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया था। कैंडिडेट्स ने अपने अपने प्रेफरेंसेस दिए। अब फाइनली तौर पर जो कल की डेट में सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और उनको डिपार्टमेंट अलाट हो चुके हैं। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं, उन सबके लिए कंग्रेचुलेशन, ठीक है ना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में कट ऑफ भी आ चुका है डिफरेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, तो ये देखना देखना चाहते हैं अगर कट ऑफ क्या रहा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेके बॉबी की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है 2021 इंजीनियरिंग के लिए कोर्स जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है फिज़िकल उसके लिए है, वो जाकर कैंडिडेट्स चेक कर सकते हैं कितनी सीट्स वैकेंट हैं कौन से कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पर अपग्रेडेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ पैरामेडिकल काउंसिल के रिफंड फ़ी को लेकर कुछ ऐसे एक ये नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद यहाँ पर जो फिज़िकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होने जा रही है जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2021 के लिए, जो कि यहाँ पर नोटिस आया था, सभी कैंडिडेट्स जो है वो इसको लेकर प्रिपेयर रहें क्योंकि बहुत जल्द आपके जो है ये काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको जैसे पता है कि ये यहाँ पर मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस जो शुरू होने वाला है 25 पॉइंट जितने भी जिस भी कैंडिडेट्स के हैं वो जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। डेट्स दी गई हैं, ठीक है ना। 25th अक्टूबर को जाना है, एक से रैंक लेकर 300 रैंक तक। 26 अक्टूबर को 301 रैंक से 650 तक। उसके बाद 27 अक्टूबर को 651 रैंक से 1000 तक। उसके बाद 28th ऑफ अक्टूबर को जाना है 1001 रैंक से 1350 रैंक तक। उसके बाद 29th अक्टूबर को 1351 रैंक से 1800 रैंक तक। उसी तरह फिर ऐसे जाते जाते आपको नवंबर तक जाना। अब साथ में आपको क्या लेकर जाना है वो देख लीजिए। सभी ऐसे कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको एक तो टाइम से जाना है 8:30 से लेकर 10:30 तक। साथ में आपको फ़ी 100 रुपीज़ पे करनी होगी या वहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स को आपने साथ और भी कुछ लेकर जाना है, ये कंपलसरी है सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को कि जो भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं शेड्यूल जो आपका है उस पर आप अपने साथ एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेकर जाएंगे, और ठीक है ना, जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स वो भी जिनके डेफिशिएंट थे डॉक्यूमेंट्स जैसे डोमिसाइल, 12th क्लास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, रिजर्व कैटेगरी, ये सब कुछ आपको लेकर जाना है जम्मू या जो श्रीनगर है। जम्मू में बाहू प्लाज़ा के पास है ये ऑफिस, ठीक है ना, बाहू प्लाज़ा में, ठीक है ना, वहीं पर मतलब बाहू प्लाज़ा में, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। उसके बाद बाकी ये कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना। पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से वीडियो बनाई जाए कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं तो आप बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ओके, सो बेस्ट विशेज सभी को, सभी कैंडिडेट्स वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं क्लास फोर्थ के लिए और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट विशेज, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो बेस्ट विशेज, गुड बाय।